हेलो एवरीवन, मैं भी जनरल क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 10th और 12th क्लास की जो शेष बचे हुए पेपर थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है, ये हम आशा करते हैं और विश भी करते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर 10th क्लास आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको स्टडी करवाई जाएगी। यहाँ से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा लगभग 3 मंथ में। करीब 3 मंथ का ड्यूरेशन होगा। सभी चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा, सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा और कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। जैसा कि लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में जब आपने देखा होगा क्लासेस पर, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा, उसमें हमने बताया था कि तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट के जो आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे सभी टॉपिक्स के। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बताया, जैसे कि मैं क्लासे लेता ही हूँ साइंस के, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं जो चैनल पर है, बट अभी नए सेशन 2020-21 के बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की क्लासेस। आपको और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, एक ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ पर मिलेगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट पैकेज दूँ आपको, एक कंप्लीट पैकेज मिले जिससे कि आपको कहीं से अदर एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं पड़े। आज के जो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि आरबीएससी बोर्ड का सिलेबस क्या है और जो आने वाले 3 मंथ का जो मेरा ड्यूरेशन है कोर्स का, उसको मैं किस तरीके से कंप्लीट करूंगा ये मैं बताने वाला हूँ। तो आइए देखिए, आरबीएससी बोर्ड जो है सेशन 2020-21, इसमें साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा और जो आपके 20 मार्क्स होते हैं ये आपके सेशनेबल जो मार्क्स होते हैं जो स्कूल लेवल से जाते हैं, तो यहाँ पर 80 नंबर का आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इसकी अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, आप सभी को पता है। बायोलॉजी हो सकती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एनवायरनमेंट हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, और भी ब्रांचेज होती हैं जो साइंस की ब्रांचेज होती हैं। 10th क्लास की साइंस की बात करें तो करीब 20 चैप्टर हैं, 20 आपके पार्ट हैं इसमें, और देखा जाए तो अलग अलग टॉपिक वाइज बांटा गया है कि एक पोर्शन अलग, एक यूनिट अलग है, दूसरे यूनिट अलग है, हर यूनिट में 4-4, 5-5 चैप्टर को लिया गया है। आइए हम बात करते हैं, जिससे पहली यूनिट है मानव शरीर एवं क्रियाएं, ह्यूमन बॉडी एंड एक्शंस। अगर इसमें बात करें तो हम देखेंगे कितने चैप्टर आएंगे इसके अंदर। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन, इसमें फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की बात होगी, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये 4 मार्क्स का है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है आपका। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और 6 मार्क्स का है। कितना है? 6 मार्क्स का है, ये आपका 6 नंबर का है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका अनुवांशिकी, जेनेटिक इसको बोलेंगे, ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ये 3 मार्क्स का है। तो आपके ये जो ह्यूमन बॉडी और एक्शंस है, ये पूरी यूनिट बायोलॉजी का पार्ट हो गई है। किसका पार्ट हो गई है? बायोलॉजी का। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा बायोलॉजी का है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर्स को हम लेंगे और इंडिविजुअली मैं आपको एक एक चैप्टर्स को यहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं हम, सेकेंडली जो यूनिट है हमारी पदार्थ एवं क्रियाएं, सबस्टेंस एंड एक्शंस। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं, पदार्थ एवं क्रियाएं। तो जहां पर पदार्थ की बात आती है, मैटर की बात आती है, वहां पर आप सोच लेते हो कि केमिस्ट्री की बात आ गई है। किसकी बात आ गई है? केमिस्ट्री की। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है 10th क्लास का, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? केमिस्ट्री का। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? दैनिक जीवन में रसायन, ये डेली लाइफ केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, मतलब केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट, ये आपका 3 मार्क्स का है। साथ ही 7th चैप्टर जो आपका है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण, आपके ये हो गया एटॉमिक थ्योरी हो गई, साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। चैप्टर नंबर 8 जो आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स एप्लीकेशन कंपाउंड, ये 4 मार्क्स का है आपका, मतलब 4 मार्क्स का है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? केमिस्ट्री का। ये वाला पूरा पार्ट चैप्टर 5 से लेकर 8 तक आपके केमिस्ट्री का पार्ट है।
दैनिक जीवन में रसायन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक हो गया, परमाणु सिद्धांत तत्वों का वर्गीकरण और कार्बन है उसके यौगिक। ये पूरा पोर्शन केमिस्ट्री का पोर्शन है। आइए हम आगे देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भौतिक परिघटनाएं, फिजिकल फिनोमिना क्या है। तो ये हो गया आपकी फिजिक्स, क्या हो गई आपकी फिजिक्स हो गई है। ये वाला पार्ट आपका फिजिक्स का है, ये वाला पार्ट आपका केमिस्ट्री का है, और ये वाला पार्ट आपका बायोलॉजी का हो गया। तो ये तीन ब्रांचें बन गई हैं। कितनी ब्रांचें बन गई हैं? तीन ब्रांचें बन गई हैं साइंस की। फिजिकल में अगर हम देखें, फिजिक्स में हम देखें तो इसमें तीन चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 9 जो आपका है लाइट, इसको हम बोलेंगे लाइट प्रकाश, ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत धारा, ये भी 5 मार्क्स का है। और अगर वर्क एनर्जी और पावर की बात करें, वर्क एनर्जी एंड पावर ये आपके 5 मार्क्स का है। तो ये 15 मार्क्स के तीनों फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए, प्रकाश, विद्युत धारा, कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका भौतिक परिघटनाएं वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका रिसोर्सेज वाला, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है इसमें हम देखेंगे। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो 4 मार्क्स का है आपका। वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 मार्क्स का है। वेस्ट मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमी इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपका 5 मार्क्स का है। तो कुल मिला के 4 यूनिट है, बड़ी बड़ी 4 ब्रांचेज है, जिसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है, 4-4, 5-5, टोटल आपके 20 चैप्टर्स है। यहां तक आपने देखा, अब हम देखते हैं आगे। तो हमने 5 यूनिट को डिस्कस कर लिया है, सॉरी 4 यूनिट तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे 5th यूनिट। तो आपकी जो 5th यूनिट है वो है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, अर्थ एंड आपका जो स्पेस है उसके बारे में है। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया है, जो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। 16 नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका ब्रह्मांड एवं जैव विकास, यूनिवर्स एवं ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के बारे में है। नेक्स्ट 17 जो चैप्टर है आपका, पृथ्वी के बाद जीवन की खोज, आउटसाइड में जो आपके लाइफ है उसके बारे में, खोज के बारे में है। 18 है भारतीय विज्ञानी, इंडियन साइंटिस् ट, उनका इंट्रोडक्शन, लाइफ स्टाइल एंड उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में। एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट जो आपका है 6 यूनिट है एनवायरनमेंट, और इसमें जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैव विविधता वाला, 5 नंबर का है, बहुत इजी चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है हमेशा। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एवं इनका कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। 5th मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। देन लास्ट यूनिट जो है आपकी 20 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है सड़क सुरक्षा शिक्षा, सड़क सुरक्षा के बारे में है, आपके रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है, जो 3 मार्क्स की है। तो यहाँ पर मैंने RBSE बोर्ड की जो साइंस सब्जेक्ट है उसके 20 चैप्टर्स को और 7 ये यहाँ पर 5, 6, 7 मतलब कि 7 यूनिट्स को यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आज आपको पता लग गया कि जो 2000, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिर्फ 9th और 11th क्लास का सिलेबस चेंज किया है। 9th और 11th क्लास का सिलेबस NCERT बेस्ड होगा, बाकी 10th और 12th क्लास का सिलेबस सेम रहेगा, उनका सिलेबस नेक्स्ट ईयर चेंज होगा। तो 10th और 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वही रहने वाला है जो लास्ट ईयर था, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस था। अब हम एक एक चैप्टर्स को लेंगे, अच्छे से मैं उनको स्टडी कराऊंगा एक एक चैप्टर्स को। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट यूनिट में से ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन फूड, मतलब कि फूड एंड हेल्थ ले लिया, मतलब भोजन और मानव स्वास्थ्य ले लिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ट्रिक से, अच्छे से, शॉर्ट वे में, विद नोट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जनरल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया सोचो, ठीक है। अब मैं आपको CBSE के जो स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ कि RBSE और CBSE बोर्ड के कुछ सेम टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उनके जो उत्प्रेरक वगैरह हैं, वो सेम CBSE में भी है और RBSE में भी है। देन एसिड और बेस, तो डेली लाइफ और केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है और एसिड बेस के बारे में ही है, वो सेम CBSE RBSE दोनों में ही है।
नेक्स्ट आपका कार्बन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा चैप्टर ही है हमारे जो आरबीएससी में भी है और यही सेम सीबीएसई में है। काफी सारे ऐसे टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल हो गई है या लाइट प्रोसेस हो गई है या हाउ टू ऑर्बिन रिप्रोड्यूस हो गया है, लाइट रिफ्लेक्शन हो गया है, हेरिडिटी हो गया है, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, तो काफी सारे टॉपिक है। देन कुछ टॉपिकों को, चार पांच टॉपिक को छोड़ के सेम सीबीएसई में ही है, बस उनको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो दोनों बोर्डों को मैं साथ में लेके चलूंगा और दोनों मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ में लेके चलूंगा, अच्छे से आपको समझाते हुए हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आने वाले 3 मंथ में, वैसे तो आपकी एग्जाम आपको पता है मार्च में होती है बोर्ड की, लेकिन मात्र 3 मंथ में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आई होप आज की सिलेबस की वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।